हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सना फैशन। गाइस, मैं आज आप लोगों के साथ नायरा कट सूट को शेयर कर रही हूँ। इस सूट को मैंने खुद ही स्टिच किया है। ये इसके अंदर मैंने लाइनिंग लगाई थी। ये सीक्वेंस फैब्रिक है। इसको मैं आगे वाले पैनल पर यूज़ करूँगी। इसको डबल फोल्ड करना है और ये जो है ये ऊपर जो पेटी होती है ना, पेटी से नीचे वाले हिस्सा है, इसको मैं कट कर रही हूँ। और इसमें मैं गैदरिंग लूँगी और ऊपर वाले फैब्रिक से मैं कोटी बनाऊँगी। आप थोड़े कपड़े में इजीली नायरा कट बना सकते हैं। इस तरीके से मैं इसके दो पार्ट में डिवाइड कर दूँगी और यहाँ बीच में मैं थोड़ा डिज़ाइन लगाऊँगी, क्योंकि इसमें जोड़ आया हुआ है। और यहाँ से मैं शोल्डर जो होते हैं मुड्ढे की कटिंग कर लूँगी, बीच में इसे मैं जोड़ूँगी। कम फैब्रिक में आप लोग भी इस तरह से इजीली नायरा कट बना सकती हैं और ये सिलने के बाद बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल रहेगा। ये बीच में जो जोड़ है ना, मैं इस पर कुछ डिज़ाइन लगा दूँगी और ये दिखेगा भी नहीं और काफ़ी अच्छा लगेगा। इस तरह से इस कपड़े में मैं गैदरिंग डालूँगी तो ये नायरा कट मेरा सूट बहुत अच्छा लगेगा। इसके अंदर लाइनिंग का यूज़ करा है मैंने, आप लोग भी लाइनिंग लगाइएगा, बहुत अच्छी रहेगी। ये लाइनिंग है, लाइनिंग को मैं इसी के जितना जितना साइज़ इसका फैब्रिक का है उतना ही मैं लाइनिंग रखूँगी और उसको भी मैं ऐसे ही काट लूँगी जैसे मैंने ऊपर वाले कपड़े को कट किया था। लाइनिंग मेरी कट के तैयार हो चुकी है। अब मैं उसकी जो कोटी है उसको काटूँगी। जो अंदर की जो लाइनिंग है उसमें अंदर जोड़ नहीं लेना है, मैंने जोड़ नहीं लिया है। ऊपर वाले में जोड़ है, उसको स्टिच करके इसमें अटैच कर दूंगी मैं। आप भी इस तरह से अपने आप अपने अकॉर्डिंग जितने आपके शोल्डर रहे उतने कट कर लीजिएगा। बहुत इजी तरीका है इस तरह से नायरा कट बनाने का। मैंने और भी बनाए हैं, मैं आपके साथ और शेयर करूँगी। ये फैब्रिक बच गया था तो मैं नायरा कट के नीचे पैंट बनाऊँगी, तो ये जो लाइनिंग वाला फैब्रिक था मैंने उसी से पैंट बनाई है, तो मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ। आप भी उसके नीचे प्लाजो या पैंट कुछ भी बना लीजिएगा। थोड़ी मुझे नीचे वाला जो पैंट थी ना उसको थोड़ी चौड़ी रखनी थी, तो मैंने इतनी चौड़ी रख के ऐसे कट की है। 4 मीटर फैब्रिक था लाइनिंग का, तो मैंने इसी में से अपनी इसकी नायरा कट की पैंट निकाल ली है, इसी फैब्रिक में से निकाल ली थी। ये कट गई। इसमें ये ऊपर जो निशान लगा हुआ है यहाँ मैं इलास्टिक लगाऊंगी, नीचे से फोल्ड कर दूंगी। अब ये मेरा बैक पैनल है कोटी का, इसकी भी लाइनिंग मैं ऐसे ही कट कर लूँगी जैसे आगे वाली लाइनिंग कट की है। ये मेरी कोटी कट के तैयार हो चुकी है। इसका नेक काटूंगी मैं आगे का, पीछे का आपको दिखाऊंगी। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी नायरा कट सिलने के बाद, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो इसके ऊपर की कोटी थी इसमें मैंने ऐसे लेस लगा ली है। मेरे पास इस तरह की लेस रखी थी, आपके पास जो भी लेस रखी हो या फिर आप मार्केट से ले आइएगा। तो मैंने उसको हाइड करने के लिए जो बीच में जोड़ था ये डिज़ाइन क्रिएट कर लिया है यहाँ पे। इसमें थोड़ी थोड़ी गैदर देके लेस में, क्योंकि ये बहुत हल्की वाली नेट वाली लेस थी, तो मैंने इसमें हल्के हल्के से गैदर्स दे दिए हैं और ये बहुत अच्छा लुक क्रिएट करेगी। जैसे मैंने इस साइड लगाई थी ऐसे ही मैं दूसरी साइड में लगाऊंगी, ऐसे ही हल्की हल्की गैदर्स देते हुए अपने लुक को मैं कंप्लीट कर लूँगी ना। तो ये फिर आपका जो इसमें जो जोड़ है वो भी नहीं दिखेगा और आपका लुक काफ़ी अच्छा लगेगा। इस फैब्रिक में थोड़े थोड़े सीक्वेंस थे जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे सिलने के बाद, बहुत अच्छा लगा था ये नायरा कट। अब मैं यहाँ नेक बनाऊँगी ऐसी। ये जो है ये लाइनिंग का नेक कट किया है और ये ऊपर वाला सीक्वेंस फैब्रिक करना है। यहाँ पे एक सिलाई लगा लेनी है। बहुत इजी ट्रिक है ये नेक बनाने की, बस मैं एक ही सिलाई में बना लेती हूँ। यहाँ पे आपको सिलाई लगा के इसमें आड़े जो कट होते हैं मैं ये देती हूँ, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। यहाँ पे फिर इसको आपको पलट लेना है। अगर आपको और भी अच्छे से देना है तो ये इस जगह देखिए, सही से गौर से देखिएगा, जो लाइनिंग वाला कपड़ा है ना उस पे सिलाई आनी चाहिए। आपको धीरे धीरे करके वहाँ सिलाई लगा देनी है। इससे आपका गला ऐसा लगेगा कि आपने अंदर टेट्रॉन लगा रखी है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये अब मेरी वो है जिसमें मैंने गैदर्स देनी है,
नीचे वाला फैब्रिक था, मैं इसमें ऐसे ऐसे करके चुन दे दूँगी, ये ऐसे चुन आ जाएंगे इसमें। अब आपको समझ आ गया होगा ये कैसे सिलने वाला है। ये मेरी चोली और ये ऊपर वाला फैब्रिक जो है, ये वो है जो मतलब दामन कह लीजिए आप क्या बोलेंगे इसे, वही है। इसमें छोटे छोटे मैं गैदर्स देते हुए इसे कंप्लीट कर लूँगी। अब मैं आपको दिखाऊँगी किस तरह से लेगी सीक्वेंस फैब्रिक से। फैब्रिक जो होता है ना उसमें आपको ध्यान से काम करना है, कहीं आपकी सुई ना टूट जाए। और ये नेक मुझे थोड़ा खाली खाली लग रहा था, तो मैंने यहाँ जो लेस बची थी काफ़ी सारी मेरे पास, तो इसमें गैदर्स देते हुए मैंने नेक लाइन पर भी इस तरह से ही लेस लगा ली है, छोटे छोटे गैदर्स दिए हैं। लेकिन जो भी है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ब्यूटीफुल ड्रेस बन के तैयार हुई थी ये जब मैंने स्टिच की थी। मुझे पता भी नहीं था कि इतनी अच्छी कैसे बन जाएगी, क्योंकि ये कपड़ा बहुत टाइम से रखा हुआ था। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको लाइनिंग को भी अटैच कर लिया है इसके। और फिर आप लोगों को करना क्या है गाइस, इसके जो है दामन और चाक को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ये चाक है, इसे ऐसे फोल्ड किया है मैंने, यहाँ से यहाँ तक दामन और चाक, इनको आपको फोल्ड करना है। या शोल्डर पे आपको बाजू लगा लेनी है, बाजू में बाद में लगाऊंगी, मैं आपको फाइनल लुक दिखा रही हूँ। इस तरह से लगा है, ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगा है। थैंक यू सो मच।